अस्सलामुअलैकुम। तो आज जा रही हूँ मैं आम की चटनी बनाने के लिए, तो मेरे साथ फातिमा भी अपना हिस्सा दे रही है और शक्कर देके आप लोग उठा के खा रही है। तो पहले हम आम को छील लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको छोटे छोटे ऐसे कट कर लेंगे। मतलब हमने गुठली इस तरह से एकदम साफ़ कर देनी है। और हम इसमें लेंगे बघार के लिए लाल मिर्च और मंगरेल, ये बघार के लिए जाएगा। मिर्ची ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना आम की चटनी वो तीखी हो जाएगी, बस इतना तीखा बहुत है। और ये सौंफ ले लेंगे और ये मेथी ले लेंगे। दोनों को हम भून के फ्राई कर लेंगे। इसमें चाहिए हमें शक्कर मीठे के लिए, तो जितना मीठा करना है आप अपने हिसाब से शक्कर उतना ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो जो इसमें छिलके निकलेंगे हम उसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे यूज़ करेंगे। मैं इसकी चटनी बनाऊँगी, बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है। तो मैं आम की चटनी भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसके छिलके की भी, बहुत ही बढ़िया बनती है, आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाना। तो चले मैं आम को भी काट लेती हूँ दूसरे बचे हुए को, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए मैंने मेथी दाना कम कर दी क्योंकि अम्मी कह रही थी कि मेथी मतलब कड़वी आती है, इसे सिर्फ खुशबू के लिए डालते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने सही पकड़ा, ये सिर्फ अम्मी पहले बनाती थी, मैं इससे पहले कभी नहीं बनाई हूँ। और ये दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है, तो ये अम्मी दादी फुप्पू खाला ये लोग ही बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो देखिए पहले हम इसे भूंज लेंगे उसी पतीली में, क्योंकि पतीली खाली थी, गर्म हो जाएगी तो हम इसे आसानी से पीस लेंगे। फिर देखिए ये हो चुका है, भून चुका है, हम इसे भूनते इसीलिए ना ताकि ये गर्म हो जाता है ना तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से मिक्सी जार में आराम से पिस जाता है, वरना ये सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं तो पिसने में टाइम लगते हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए उसी पतीली में फिर मैंने थोड़ा सी तेल डाल दी और ये तेल हो चुका है। अब इसमें मैं मंगरेल और मिर्ची ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम आम डाल देंगे। आम डालने के बाद हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसे चाहें तो ढक्कन बंद करके भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है आम के अंदर जब हम शक्कर डालेंगे ना तो ये ऐड जाएंगे और हमें ऐठे हुए नहीं बनाना है। तो इसमें हम थोड़ा सी पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, और गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखना है, बस इतना पानी बहुत है, ये गल जाएंगे। पानी ना डालने से क्या होगा पता है, ये ना जब आप शक्कर डाल के इसे पकाएंगे ना तो जैसे वो हम अम्मा वाइट खाते पता है आपको, इतना पैकेट में रहता है ब्राउन ब्राउन सा, ब्लैक ब्लैक सा आता है, ब्राउन ज़्यादा डार्क ब्राउन रहता है, तो उस तरह हो जाएंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम बॉईल का वेट करेंगे, गैस का फ्लेम हम फास्ट ही तब तक रखेंगे। देखिए इसमें बॉईल आ चुका है, अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। तो इससे पहले मैंने शक्कर ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी की तरह जो मेरे साथ होता है हमेशा प्रैंक, मैंने प्रेस की थी और कैमरा ऑन नहीं हुआ था और मुझे लगा कैमरा चालू है, तो मैं ये दिखाने के लिए शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है, अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर देना है और इसको कवर कर देना है। तो ये भाप से ही आम बढ़िया से गल जाएंगे और जो इसके अंदर पानी है वो हम खुश्क होने तक इसको पका लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनते हैं और ये तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे मतलब आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे घर में जब भी आम लेकर आते तो सबसे ज़्यादा आम मैं ही खाती हूँ, और वो बोलते ना एक लेकर आते अगर पाँच चढ़ा तो घर में पाँच लोग हैं तो सबसे बड़ा वाला वो मेरे हिस्से में होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आम पसंद है और आम की चटनी भी। तो मेरा सुबह का जो नाश्ता होता है वो चटनी और रोटी होती है, तो मैं ये नाश्ते में यही करती हूँ, मतलब चाय के बाद वाला नाश्ता, सुबह सुबह उठते ही नहीं। तो देखिए स्लो फ्लेम पे ही रख दी मैंने। इसके अंदर हम थोड़ा सी नमक ऐड करेंगे, पहले बताना भूल गई थी, अभी याद आया, तो इसमें थोड़ा सी मैं नमक ऐड कर दूँगी। जब तक ये आम हो रहे हैं तब तक के मैं मिक्सी जार में पीस चुकी हूँ। तो देखिए बहुत थोड़ा सी था ये सौंफ और मेथी, तो बहुत ज़्यादा मतलब बारीक नहीं हुआ है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सी शक्कर ऐड कर लूँगी। शक्कर डाल के हम पीसेंगे तो ये एकदम मतलब फाइन बारीक अच्छे से पीस जाएंगे। अगर आपके मिक्सी जार में पीस जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, थोड़े से, क्योंकि मसाले क्या होते हैं अक्सर वो फाइन नहीं होते। देखें ये शक्कर डालने के बाद कितने अच्छे से बारीक पीस चुके हैं। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी क्योंकि इसे का हमने बाद में यूज़ करना है। तो देखें मैं इसे बीच बीच में चला भी रही थी और ये अब हो चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग, जबकि माम हो जाते हैं
तो ये इस तरह से नज़र आते हैं। अब मैंने बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। देखें गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इस तरह से इसको चम्मच से ऐसे कर लेंगे ताकि जो इसमें पल्प्स हैं वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। गरम गरम रहेंगे ना तो ये छींटे उड़ते हैं, इसीलिए। बस ये तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और ये तो मेरा बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है। आप लोग भी बनाएं और इसे आप लोगों की भी फेवरेट रेसिपी बनाएं, ये चटनी दाल चावल, और ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। चलें अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये बढ़िया सी चटनी तैयार हो चुकी है और इस पे हम ऐड कर देंगे ये सौंफ और मेथी को पीसा था वो हम इस पे ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये आम की बढ़िया सी चटनी तैयार हो चुकी है, खट्टी मीठी सी। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये अल्लाह हाफिज़।